टेम्परेचर इज सबसे कम कितना गया था भैया? लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आओ स्कूल से प्रैक्टिस करके आओ, छुट्टी मार के हॉस्टल में बैठे हुए हो तो वो अगर सोच के आ रहे हो अच्छा गेम में, तो बिल्कुल वो चीज़ दिमाग से निकाल दो। लगे कि हमारे जो सीनियर काफ़ी फ्रेंडली नेचर है उनका। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो लगभग आप लोग इधर आने वाले हो गए रशिया के अंदर, सोचा क्यों ना आपके लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये चीज़ भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे कि हमारी अदर वीडियोस हैं। तो आप लोगों ने जो प्यार दिया वीडियोस चैनल पे, जितना सपोर्ट बनाए रखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो 3000 जनता मैंने सोच के रखा था, मे भी शायद आप पूरा कर दो, क्योंकि काफ़ी स्लो टाइम लगा रहे हो। तो बहुत होगी बकवास, सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो के ऊपर। इस वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल देख ही लिया होगा। इसमें बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए रशिया आने से पहले, क्योंकि अभी तो आए नहीं हो आप। तो बताना चाहूँगा पहली चीज़ इधर है आपकी वेदर। तो वेदर यहाँ का ना बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब बारिश हो रही है, कब यहाँ धूप निकलने वाली है। क्योंकि अभी कल का टेम्परेचर बताता हूँ मैं, कल ऐसा था ना मोटी जैकेट पहनने का मौसम था, मतलब कि मैं शाम को जिम गया था तो मतलब वही ठंडा माहौल फील कर रहा था। बट अभी टेम्परेचर ये हो रहा है आज का 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब गर्मी से फील हो रही है इस जैकेट में भी मेरे। तो बस यही बोलूँगा कि ऐसा टेम्परेचर, बगल अगर हम ये चीज़ इंडिया से कंपेयर करते हैं, अदर वीडियोस में मैं बता रखा हूँ, फिर भी ये वाली वीडियो टेम्परेचर बता रहा हूँ तो बता देता हूँ, शायद आपने चेकआउट ना की हो उस पर। तो बता रहा हूँ कि आपको अगर कल बारिश हुई है, आज ठंडी रहेगी, मतलब पूरा ही मतलब इंडिया से बिल्कुल ऐसा नहीं 19-20, पूरा ही मतलब अलग है। अभी बात करना चाहूँगा ठंडक के क्या रहता टेम्परेचर। ठंडक में यहाँ पर इस बार ओम्स में गया था लास्ट टाइम, -39 डिग्री सेल्सियस। तो बताना चाहूँगा तो इस टाइम तो हम लोग नए रहते थे तो काफ़ी ठंडी फील हो रही थी। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ने हमारे एक अच्छी बात ये कि 4-5 दिन की छुट्टी दे दी थी, तो हॉस्टल में अपना एंजॉय कर रहे जो भी था। तो आपके साथ भी मे भी शायद छुट्टी मिले इस बार भी, तो आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं। -39 एक्चुअली मेरे ये व्हाट्सएप पर एक बच्चे का डाउट आया कि भैया डाउट मतलब ये था कि टेम्परेचर इस सबसे कम कितना गया था भैया, तो मैंने बोला -39। उसने बोला भाई अंदर कोई अदर यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर दो। मैंने कहा ये क्या है भाई, मतलब टेम्परेचर सुन के बच्चे भाग रहे, तो ऐसा घबराने की बात नहीं है बिल्कुल। बाकी स्नोफॉल का तो आपको पता ही है, स्नोफॉल यहाँ पे कभी भी टाइम हो जाती है, तो ऐसा नहीं, उसके लिए जैकेट्स हैं, बूट्स हैं आपके लिए, पहन के निकलो, तब तक के अंदर बैठे रहेंगे हम लोग। सो दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपकी लैंग्वेज, क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो तो उसकी फॉरमोस्ट थिंग रहती है आपकी लैंग्वेज। तो रशिया से रशिया है सबको पता है, इसकी अदर लैंग्वेज है इंग्लिश, बहुत ही कम देखने मिलेंगे आपको बोलने वाले। तो बताऊंगा कि उसके लिए मैंने अदर वीडियो बनाई थी, उसको बताया था ड्यूलिंगो एप्लीकेशन के बारे में। तो फिर बता दे रहा हूँ कि आप अगर इंडिया में भी हो, मतलब अगर एक महीने पहले अपलोड कर रहा हूँ वीडियो तो पहले मिल ली कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इतना कर सकते हो कि मतलब हाय हेलो तक के आप मतलब चला सकते हो काम, इतना ऐसा नहीं कि बिल्कुल अननोन। मेरी इधर है नहीं, जब मैं इधर आया था बताया उसमें भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, फिर भी मतलब अभी तो इतना आ ही गई है, मतलब काम चलाओ। तो बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आओ हल्की फुल्की प्रैक्टिस करके आओ, क्योंकि बिना लैंग्वेज कुछ नहीं होगा। जब भी आप ट्रैवल करोगे या किसी शॉप पे जाओगे या किसी से मतलब कहीं भी बाहर निकलोगे, तो लैंग्वेज कैसा सीन है आपको, मतलब उनसे जब भी आप बातचीत करोगे हर टाइम ट्रांसलेटर तो यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि हम लोगों के साथ भी ऐसा इशू होता है कि अभी हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं तो कभी कभी हमारा इंटरनेट नहीं चलता है या मे बी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, तो उस हिसाब ऐसा नहीं कि आप फिर रह जाओगे बातचीत करने से। तो मैं चाहता हूँ कि आप मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो काम चला लो एटलीस्ट लैंग्वेज। तो अभी हम जो थर्ड चीज़ बताने वाले हैं वो आपका है स्टडी एटमॉस्फेयर। तो अगर एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ ये चीज़ इंडिया से और एशिया के अंदर, तो मतलब यही चीज़ है। अगर अटेंडेंस को लेकर बात करूँ तो इंडिया में 75-85% अटेंडेंस आपकी चल जाती है, बट इधर एशिया के अंदर आपको 100% अटेंडेंस चाहिए। तो मतलब छुट्टी को करने जो सोच रहे हो छुट्टी करेंगे ऐसा नहीं कर सकते आप, अटेंडेंस यहाँ 100% मस्ट है। अगर फिर भी आप करते हो लाइकवाइज, मतलब आप बीमार पड़ गए या कुछ हो गए, ये भी डाउट पूछ सकते हो आप लोग, तो मतलब यही बोलूँगा कि वो चीज़ पूरी तरह मतलब नॉर्मल है, उसके लिए आपका मेडिकल लगेगा, क्योंकि मतलब यूनिवर्सिटी का ही है आप प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल, जिसमें आप ट्रीटमेंट करवाओगे तो मेडिकल उसका लग जाएगा पूरी तरह, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। अर्थात बोलूँगा अगर आप मस्ती के इरादे से छुट्टी मार के हॉस्टल में बैठे हुए हो तो वो अगर सोच के आ रहे हो रशिया के अंदर, तो बिल्कुल वो चीज़ दिमाग से निकाल दो, क्योंकि फिर वो आपको आगे दिक्कत करेगी। जब भी आप फाइनल में एग्ज़ाम दोगे या फिर मतलब क्रेडिट आपका लगेगा तो मे भी शायद आपके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं टीचर्स। तो बाकी मैं बोलूँगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ने वाले हो हर जगह एडजस्ट हो जाओगे,
और यही चीज़ बोलूँगा कि अगर और चीज़ बताना चाहूँगा इस स्टडी के बाद की है मैंने, तो अगर लेक्चर आर की बात करूँ मैं इसमें, तो फर्स्ट ईयर में ऐसा सीन है, फर्स्ट ईयर क्या मतलब पूरे सेमेस्टर मतलब पूरे ईयर के लिए बता देता हूँ मैं, ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है किसी भी लेक्चर की या किसी भी क्लास की। लेक्चर में भी आपका 1.5 आवर का भी हो सकता है, 2 आवर का भी हो सकता है, मे बी 3 आवर्स का भी हो जाए। और समटाइम्स आपकी जो फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री रहती है वो 5 आवर्स की होती है। अभी बोलोगे भैया 5 आवर तो बहुत लंबा हो गया, तो टेंशन लेने की बात नहीं, वो आपको बीच में अराउंड 30-40 मिनट का आपको ब्रेक मिल जाएगा, तो ऐसा पैनिक होने की बात नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाई करो, केमिस्ट्री पढ़ो। अभी बताते हैं नेक्स्ट आपको हॉस्टल एक्सपीरियंस के बारे में। तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब भी आप इंडिया से इधर आते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ तो मम्मी पापा के दुलारे रहते हो आप, तो यहाँ पर आके जब खुद से रूम क्लीनिंग करोगे या किचन खाना बनाओगे, जब भी आप ग्रोसरीज लेने जाओगे, मार्केट खुद से देख मतलब जाओगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आपका जो खुद का रहता है मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस ये खुद से चीज़ें करने का, जब आप बाहर निकलते हो कहीं, तो मतलब आपके अंदर काफ़ी चेंजेस से आते हैं, वो एक तरह की मेच्योरिटी फील होती है, तो ये चीज़ आपके पेरेंट्स को भी अच्छी लगती है, हर साथ आप खुद भी अंदर से एक अलग ही फील करोगे। तो बताऊँगा ये चीज़ है बस, हॉस्टल एक्सपीरियंस ये अच्छी है बस। और साथ में ऐड करना चाहूँगा इसमें कि अगर आप ये लोग डाउट पूछ रहे थे कि भाई डिस्टेंस कितनी है यूनिवर्सिटी की हॉस्टल से, तो आपको बता दूँ ये अराउंड 7-8 किलोमीटर है, और इसके लिए आपको बस से ट्रैवल करने में लगता है अराउंड 40-45 मिनट। यही चीज़ अगर नॉन ट्रैफिक मिलता है आपको, ट्रैफिक कम मिलता है, 20-25 मिनट मतलब 30 मिनट पकड़ के चलते हो आप पहुँच जाओगे यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग बिल्डिंग मिलेंगी, तो वो जो वीडियोस हैं आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर लेना। कुछ डिपार्टमेंट मैंने नहीं बनाया है, तो कुछ अगला कंटेंट अगले साल के लिए भी कंटेंट रखते हैं भाई, सारा इस साल डाल देंगे तो मतलब क्या ही भाई, मतलब समझ रहे हो आप लोग, कुछ हमारे लिए भी सोचो, हमारा भी भला होने दो। तो बस यही बोलूँगा कि इसमें भी इतना ही था, बाकी मैं बताऊँगा आपको रैगिंग एक्सपीरियंस कि रशिया के अंदर काफ़ी पूछते भैया रैगिंग तो नहीं होती हॉस्टल में, तो ऐसा बता दूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं काफ़ी फ्रेंडली नेचर है उनका, तो ऐसा घबराने की बात नहीं। सीनियर्स मतलब आप जब भी आप इधर आते हो, तो मैं अपना इधर का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि फील नहीं आएगा कि आपको सीनियर से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो कि आप जूनियर से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब वो तो रहेगी अलग, क्लास अलग है, वो चीज़ अलग है, बट फिर भी एक फ्रेंडली बिहेवियर है हमारे हॉस्टल का, तो आप ऐसा मान के मत चलो कि भैया आएंगे तो भैया ऐसे रैगिंग वगैरह ले सकते हैं, ऐसा कुछ तो घबराओ मत इसके, हम लोग आपके लिए ही हैं, कोई इस तरह की आप घबराने की बात नहीं, कोई रैगिंग नहीं होगी। बाकी उसके लिए हमारे पास डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी है, आप कंप्लेंट कर सकते हो इजीली, मेरे को लगता ही नौबत आएगी। सो भी अगली चीज़ में जो ऐड करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, वो आपको चीज़ें क्या लानी है इंडिया से, ताकि आप कहीं और चैनल पे ना भाग जाओ, तो वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर ले। अभी अगर इतना वीडियो में बता ही रहा हूँ, तो सोचा हूँ कुछ और चीज़ें ऐड कर देता हूँ, ताकि ये वीडियो लंबी नहीं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बन जाए। बताना चाहूँगा एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा इधर, लाइक आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आपका ये स्नैपचैट हो गया, और अदर एप्लीकेशन हो गया। तो बताना चाहूँगा इनके लिए आपको लाइक VPN आपने सुना होगा रशिया के लिए, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन बैन है इधर, ऐसा बताऊंगा कि इधर क्या एप्लीकेशन है VK, इसको हम लोग बोलते हैं VKontakte, लाइक इसका फुल फॉर्म है, तो अगर आप इधर आते हो तो VK चला लो जरूर, क्योंकि इसमें काफ़ी फ्रेंडली है, मतलब आपको A to Z चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक आपको इंस्टा का भी फील आएगा, फेसबुक का भी फील आएगा। अब बताता हूँ कि आपको इस VPN किस किस चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अगर स्नैपचैट का AI फीचर यूज़ करना है, लाइक इंडिया में तो आपको फ्री मिल जाता है, बट अगर आपको इधर यूज़ करना है तो उसके लिए आपको VPN लगाना पड़ेगा, या तो आप साथ ही साथ इसका प्रीमियम भी ले सकते हो, अगर प्रीमियम लोगे तो आपको मतलब VPN लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ दूसरा हमारा था इंस्टाग्राम, उसके लिए तो मैंडेटरी है, मतलब अगर आपको यूज़ करना है इंस्टाग्राम, तो आप VPN लगाए बिना चला ही नहीं सकना। नेक्स्ट आता है फेसबुक, मतलब ऐसा है मैं तो बहुत कम ही यूज़ करता हूँ, बट अगर आप लोग यूज़ करते हो तो आप मतलब VPN लगा के चला सकते हो। अब यह मत पूछे ना भैया VPN कौन सा लगाना है, सबके लिए VPN अलग अलग आते हैं, क्योंकि हम लोग भी जब भी इधर आए सारे VPN ट्राई करते हैं, कभी ये चल रहा है, कभी दूसरा चल रहा है, कभी वो चल रहा है, वैसे चेंज करके हम लोग यूज़ करते रहते हैं, तो आप लोग भी ट्राई करते रहो। बाकी आप लोग इधर आओगे तो पूछ सकते हो, ऐसे बता देंगे, उस पर स्पेशली वीडियो बनाने की जरूरत नहीं मेरे को लग रहा है। तो गाइस अभी मैं बताना चाहूँगा थोड़ा बुक्स के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे भैया बुक्स कौन सी लानी है, तो फॉर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक अपना फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी है, उसके लिए बताना चाहूँगा आप BD Chaurasia कैरी कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस। बाकी यहाँ तो आपको लाइब्रेरी से बुक मिल जाती है, तो आपको ऐसे कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली इधर आके वही पढ़ने वाले हो। और अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लाइक आपको इधर एनाटॉमी पढ़ोगे, तो जब आप रियल चीज़ों से देखोगे, विजुलाइज करोगे चीज़ें, तो आपको एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलस के लिए आप बुक भी कैरी कर सकते हो, अगर आप बुक फ्रेंडली हो, मतलब बुक पढ़ना पसंद करते हो, साथ ही साथ अगर आपको मतलब फ़ोन में अगर कंफर्टेबल है, तो उसका आप अगर iPad वगैरह में, तो उसका एप्लीकेशन है,
एंटोमी लर्निंग करके वो डाउनलोड करके उसमें यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको मतलब वन टाइम पेमेंट करना होगा लमसम वही 1800 INR के करीब। एक बार आप खरीद लो उसको, फिर लाइफ टाइम उसको यूज़ करते रहो। एट लास्ट ये बोलना चाहूँगा, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट बनाते रहते हैं। साथ ही साथ बोलूँगा कि हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो होप सो आप सब्सक्राइब करें, बिना जाना ही नहीं, क्योंकि अब जो कि करते नहीं हो आप लोग। तो बस यही वीडियो था इसी वीडियो में, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।